मेरा नाम सुनील तमखाने है, शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी इंदौर से आया हूँ। और आज हम यहाँ पर खेत देखने आए हुए हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? सुनील तिवारी। सुनील जी तिवारी जी के यहाँ आए हैं। आपका रहना कहाँ का है, कौन से गांव? ग्राम भराड़ी। ग्राम भराड़ी, तहसील आपका? हरसूद। हरसूद, जिला खंडवा पड़ता है, है ना? और अभी आपका ये गेहूँ कितने एकड़ में लगा हुआ है? ऐसे मेरा 11 क्विंटल का बोया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, पूरा 303 ही है। 303 वेराइटी है। ये रकबा कितना है? मतलब ये 3 एकड़। 3 एकड़ में लगभग लगा हुआ है। तो अभी आपने मतलब हमारे जो कर्मचारी से क्या क्या प्रोडक्ट उपयोग किया? सर ये शुरू से लेके जैसे अपन ने शुरू में आपका ये गेहूँ मतलब वो तो बिल्कुल ऐसा था कि सीधा लगा हुआ, सीधा था। हाँ। और सभी जने आसपास के जो देखते हुए सब जने बोलने लग गए कि इसको तोड़ दिया जाए। अच्छा 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 अच्छा। पर फिर वो हमारे भाई लोग ये मिले शिवशक्ति से, बोले यार भैया इसको तोड़ो मत, हमने हमारा साथ भी अच्छा थोड़ा सा पिल्ला बुआया है। तो अभी आपने बुआई के समय क्या क्या डाला था प्रोडक्ट कंपनी का शिवशक्ति का? इसमें वो दानेदार वो था सीएमएस कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। हाँ। और फिर उसके बाद में जब यूरिया में लगा। हाँ, यूरिया के साथ में फिर हमने वो डाला था भी अपने ब्लैक कलर का, वो खास चाय पत्ती टाइप का था। हाँ, खास और एक टॉनिक था उसमें। अच्छा 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 अच्छा। एक लीटर टॉनिक आता है। हाँ। उसको उसी में मिक्स कर, उसमें मिक्स करके। हाँ, हाँ, और उसको एक पेग जो था वो काट दी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसमें मतलब वो कितने मतलब 8 किलो प्रति एकड़ डाला? हाँ, वो 2.5 एकड़ में मतलब इसमें पूरा एक बैग डाला अपन, एक बैग उसमें डाल दिया। तो उसको डालने के बाद में 15 दिन के बाद में आपको गेहूं में कुछ अंतर नजर आया? किल्ले टोटल पूरे कूचे हैं, कम से कम एक एक में कम से कम 15 ये कूचे बने हुए, पूरे कूचे हुए, है ना? हाँ, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और भी किसानों को आप क्या सलाह दे पाओगे कि हमारे जो फर्टिलाइजर डाला है उससे आप पूर्णतः संतुष्ट है? ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और भी किसानों को क्या गाइड करना चाहोगे आप? दिए ना, मैंने 2-3 लोगों को बोला और उनको बिल्कुल उनने सजेस्ट किया कि नहीं भैया, बोले भाई उन्होंने जो देखा कि यार जो आपके जो गेहूँ थे पहले और अब में जो अंतर है, अच्छा तोड़ने लायक था मतलब? हाँ, अरे बिल्कुल, मतलब ऐसा था कि सीधा हो गया, बहुत सीधा हो गया था। हाँ हाँ, क्या? और अभी बढ़िया भरा भरा लग रहा है। आप तो ऐसा बोलता रहा हूँ, आप ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, वो खुद आस पास वाले देखते हैं कि यार भैया हमारा, और उसमें वो खुद ही बोलते कि यार नहीं यार भैया तुमने क्या चीज डाली। थैंक यू तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई किसान यदि इस तरीके से गेहूं में अगर प्रॉब्लम आए, छिदा हो या फिर अन्य अगर समस्या है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9160339, मतलब 9165260339 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी गेहूं में जो समस्या है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। धन्यवाद। ठीक।